आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेजिडेंट भगवंत मान पहुंच चुके मुबारक भाजी बहुत बहुत मुबारक फिर यार देखो अज छोटे साहबजादों का शहीद दिहाड़ा आप ढोल बजाते खुशी मना चंगे नहीं लगते आप खुशियाँ कल तो बाद जिन्नी मर्जी मंगा ठीक है ना सो कोई गल नहीं मुबारक सारे जो तुम मैंडेट लिया सो आप ढोल या कोई मिठाई लड्डू नहीं मान साहब किदां देख रहे हो पहला सवाल बस किदां देख रहे हो इलेक्शन देखो असी तां प्रचार कीता लोकां ने फतवा दिता हाँ जी ते लोकां ने दस्सता कि चंडीगढ़ के लोग जिहड़े ने ओह एक नवी किस्म की सियासत देखना चाहते ने डिवेलपमेंट की सियासत देखना चाहते ने हालांकि इत्थों एम पी भी बीजेपी के राज्यपाल भी बीजेपी के उपर सरकार भी बीजेपी की मेयर भी बीजेपी के पर साडे नवे मुंडिया ने जिहड़ा फतवा लोगों ने दिता नवे मुंडिया उहदे लिए मैं चंडीगढ़ के लोगों का बहुत धन्यवाद भी कर रैली चाहे सीगे तुसीं गल कही सी कि ऐतकी ना ऐतकी बदलाव करके देखियो भी चाड़ू चलना चाहिए चलिया भी मैं धन्यवाद करदा लोगों के इस फतवे का इशारा पंजाब पंजाब च तो होर भी ज़्यादा बैटर हो तरीके ना होगा तो मेयर बनाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस के साथ कोई बातचीत की नहीं हजे ये इनिशियल टॉक है हजे तो उन्होंने मिल लिए मिलके उन्होंने सारे कैंडीडेटा ना गल कर ली हज तो अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेंदे किसानों ने पार्टी बनाई है 117 कहते सीटा के 17 राज्यपाल उम्मीदवार होणगे क्या आम आदमी पार्टी गठबंधन होएगा की होएगा नहीं साडे नाल हजे कोई गठबंधन की गल नहीं चली ठीक है ना तो हाँ उन्होंने शुभकामनावां हरेक नूं हक है पार्टी बनावे इलेक्शन लड़े जो टिकटा वंडिया भी कुछ कह रहे हैं कि जिदा उन्होंने संदोया जी ने कहता भी यह तो किसी होर देती ब्लैकी देती जिन्होंने नहीं मिलती होंगी थोड़ा जहाँ तक रैक्ट करते पर संदोया जी साढ़े परिवार के मैंबर ने असं आप गल कर लेंगे आप ही गल कर लेंगे उस तो बाद अगली लिस्ट कही है जल्दी आ जाने ओके ठीक है तो यह सन स्टेट प्रेजिडेंट ने भगवंत मान चंडीगढ़ इलेक्शन की जित की खुशी में पार्टी ऑफिस पहुंचे ने पहला न्यूज़ 18 तो तुम सुनाया थानू उन्होंने गलबात सुनाई है खास कहा कि यह बदलाव लई वोटर साफ इशारा पंजाब लई किसाना पार्टी लई कहा कि मुबारकबाद है साडी कोई हले गठबंधन की गल नहीं चलती पई है वीडियो जर्नलिस्टों के नाल उमेश शर्मा न्यूज़ 18 चंडीगढ़ सो आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के नतीजों तो बाद बागो बाग नजर आ रही है उत्थे चंडीगढ़ निगम नतीजों तो बाद चंडीगढ़ भाजपा के वालों वड्डा दावा किया जा रहा है चंडीगढ़ के मुड़ बनेगा भाजपा का मेयर अरुण सूद के वालों दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के मुड़ भाजपा का मेयर बनेगा जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करांगे अरुण सूद ने भी कहा कि जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करांगे तो सवाल यह भी है कि जेकर जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की जाएगी तो फिर मेयर बनेगा किवें क्योंकि बहुमत का अंकड़ा 19 है जबकि भाजपा के खाते के 12 सीटा गई ने 7 सीटा की दूरी है बहुमत के अंकड़े तो पर अरुण सूद दावा कर रहे हैं कि मेयर भाजपा का ही बनेगा जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की जाएगी हम ख्यालियां नाल आने की उन्होंने अपील की है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है 35 में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं जबकि 12 सीटें यानी कि 12 वार्ड भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं जबकि करीब 8 सीटें कांग्रेस को मिली हैं और इन चुनावी नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद उनसे बात करेंगे सर क्या प्रतिक्रिया है जो चुनावी नतीजे आए हैं जाहिर सी बात है कि एक्सपेक्ट तो आपने नहीं किए होंगे नतीजे हाँ नतीजे तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुए हैं जी लेकिन फिर भी जो जनता ने ये जो बिल्कुल ही डिवाइडेड वर्डिक्ट दिया है क्लियर नहीं है उसमें और कोई भी पार्टी जो है अभी जो जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें किसी के पास भी जो है सिंपल मेजोरिटी नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है 12 हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं और इसके साथ साथ जो है मेंबर पार्लियामेंट का भी वोट है टोटल 36 वोटों में हमारे पास 13 वोट हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल से कॉरपोरेशन में एक सुशासन दिया था और एक विकास को गति दी थी एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते मैं सब ऐसे लोगों से जो चंडीगढ़ के विकास की गति को और तेज करना चाहते हैं
और जो लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ के लोगों की सेवा के लिए, चंडीगढ़ के विकास के लिए हम लोग जो है स्टेबल शासन दे पाए नगर निगम चंडीगढ़ में, वो लोग मिलके आगे आए और चंडीगढ़ के विकास को और गति दे, इसका प्रयास एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होने के नाते हम लोग करेंगे। मतलब ये अपील आपकी लोगों से है या जो अभी जीते हैं पार्षद उनसे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? लोगों ने तो जो करना था कर दिया जी, पार्षदों से अपील कर रहे हैं। अब तो मैं सब, अब 14 उनके हैं, 8 कांग्रेस, 8 कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिले दोनों तो पहले भी वो ए टीम और बी टीम की तरह काम करते रहे, लेकिन फिर भी अगर ये संभावनाएं नहीं बनती हैं, समीकरण नहीं बनते हैं, तो आम बीजेपी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि शहर में एक स्टेबल जो है वो नगर निगम में एक सत्ता रहे और वो अगले 5 साल तक काम करे। मतलब मेयर बनाने का प्रयास रहेगा बीजेपी का? नेचुरली भारतीय जनता पार्टी को भी जो आज वोट परसेंटेज में जो चंडीगढ़ की जनता है उसमें नंबर वन पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारा 29 से भी प्लस है। और